बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा, विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर आज तेज बौछार और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 23 जून तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 23 जून तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट है। आज तेज बौछार और आंधी का अलर्ट जारी किया गया, यानी तेज बौछार और आंधी वहां पर चल सकती है। पर्वतीय जिलों में तेज आंधी की चेतावनी इसको लेकर जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश हो सकती है। 23 जून तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर और साथ ही साथ आंधी को लेकर। तेज बौछार यहां पर हो सकती है और पर्वतीय जिलों में तेज आंधी की चेतावनी दे दी गई है। यानी अब तक जो लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, अब उनको राहत मिलेगी, अब उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि गर्मी से निजात मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे ही तेज बौछार की आंधी होगी और बारिश होगी और तेज आंधी के भी आसार जताए जा रहे हैं, वैसे ही लोगों को राहत मिलने वाली है गर्मी से। पर्वतीय जिलों में तेज आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, यानी कई जिलों में बारिश भी हो सकती है। 23 जून तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 जून तक येलो और ऑरेंज अलर्ट, यानी आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश होगी और साथ ही साथ आंधी भी चल सकती है। यानी अब गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम में थोड़ी सी ठंडक होगी, यानी गर्मी से निजात मिलेगी और साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 20 को में भी बहुत परिवर्तन नहीं है, 21 तक भी बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन 22 से जो देखेंगे आप, जो एक्टिविटी हो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटहिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी कम है, आइसोलेटेड टाइप ही वो रहने वाली है। तो जो मैंने आप कही है कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है वो पूरे प्रदेश में मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो है करीब करीब जो अगर 22 तक कहूँ मैं या 21 तक कहूँ तो स्कैटर टाइप ही एक्टिविटी पहाड़ों में है, वो लाइट टू मॉडरेट और आइसोलेटेड टाइप जो है मैदानी क्षेत्रों में। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, कई जिलों में बारिश को लेकर और तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए हैं कि उत्तराखंड के कई जिलों में जो है हल्के तूफान के साथ जो है बारिश और ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल सकती है। खासतौर पर उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार और देहरादून, ये 7 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की आशंका जो है वो जताई गई है। और जिस प्रकार से जो तेज हवाएं चल रही हैं वो इसकी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज हवाएं चलने की आशंका जो है वो जताई गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बारिश का जो सिलसिला है कल भी देखने को मिला, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिली। और वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो देहरादून में भी छुटपुट बारिश जो है वो देखने को मिली। हालांकि जो तेज हवाओं का जिस प्रकार का रुख मौसम विभाग ने अनुमान जिस प्रकार से जताया था, उस तरीके की हवाएं जो है तेज हवाएं देखने को नहीं मिली, लेकिन ये जरूर है कि अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है 23 जून तक जो है वो जारी किया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल है वहां पर ज़्यादा खतरा जो है वो बताया गया है कि किस जो तेज हवाएं चलेगी वो कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर जो है उसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, अगर ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर मौसम खराब हो रहा है तो अपने घर पर ही सुरक्षित रहें या कोई सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। और जो जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा जिस प्रकार से यहां पर चल रही है उनको लेकर भी साफ विधायक जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि जो चारधाम यात्री हैं वो भी अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें, ज़्यादा जरूरी है तभी वह यात्रा के लिए निकले, अगर ज़्यादा जरूरी नहीं है तो अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। क्योंकि जो केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से जो लाखों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं,
वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। अगर तेज़ हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि अगर वहाँ पर होती है तो वहाँ पर यात्रियों को ज़्यादातर परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो ऐसे में सभी को जो है वो हिदायत दी गई है कि अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें। इसको लेकर SDRF की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट हैं, आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पहले से ही चेतावनी दे दी गई। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, वहाँ पर लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, उन लोगों को अब निजात मिलेगी, उन लोगों को राहत मिलेगी। अब देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है उससे जरूर जो है मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है जिस प्रकार से जो बागवानी की जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश के साथ साथ जो ओलावृष्टि हो रही है उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं या पहाड़ी इलाके हैं, अगर बारिश अगर हो रही है तो उससे गर्मी से ज़रूर राहत मिल रही है। और जिस प्रकार से कल भी देखने को मिला कि कल जब बारिश हुई तो मौसम जो है मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी शुष्क बना हुआ था, तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे मौसम में जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। दूसरी ओर ये देखा जाए कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं देखने को मिली, जिससे वहाँ पर भी राहत जरूर देखने को मिली। लेकिन जो बागवानी की जो फसल है, किसानों को जरूर उनसे जो फसलें जो है वो ख़राब हुई है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो है जहाँ आम लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो वहीं बागवानी की फसल के लिए कहीं ना कहीं बारिश जो है एक आपत बनकर जो है वो निकल रही है, खासतौर पर जब ओलावृष्टि हो रही है और तेज़ हवाएँ जब हो रही है। लेकिन जो आने वाले जो चार धाम यात्री हैं, जो सेनानी घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हालांकि मौसम भले ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन जब तेज़ हवाएं और बारिश ओलावृष्टि अगर होती है तब जो है वो मुश्किलें जो है वो बढ़ा सकती है। ऐसे में उनको लिए भी साफ हिदायत दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, मौसम अगर ख़राब होता दिख रहा है तो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ या अपने घर पर ही रहें। चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें, चारधाम यात्रा में जो लोग पहुंचे हुए हैं और हम देख रहे हैं दिन ब दिन ये जो संख्या श्रद्धालु की उसमें इजाफा होता जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, चाहे हेमकुंड साहिब की बात कर ले वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है, तो उनको इससे दिक्कतें हो सकती हैं सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो। देखिए बिल्कुल, अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अगर दिक्कतें अगर होगी तो हेमकुंड साहिब में जिस प्रकार से दरबार साहिब जाने वाले जो यात्री हैं और जो केदारनाथ धाम की ओर जो जाने वाले यात्री हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि हेमकुंड साहिब भी जिस प्रकार से 3500 फीट की ऊँचाई पर है वो भी वहाँ पर जो है 12 महीने जिस प्रकार से बर्फबारी वहाँ पर रहती है, अभी भी वहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 फीट कम से कम जो है वह बर्फ़ से हेमकुंड साहिब जो है पूरा ढका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद SDRF की ओर से जिस प्रकार से रास्ता वहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर यात्री जो है वो पहुँच रहे हैं और जितने भी जो संगतें हैं, जो श्रद्धालु हैं, पंजाबी समुदाय के वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से जो यात्री हज़ारों की संख्या में एक दिन में जो है केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं वहाँ पर उनको सबसे बड़ी मुश्किलें जो है जो पैदल ट्रैक है 17 किलोमीटर का वहाँ पर जब बारिश और ओलावृष्टि और तेज़ हवाएँ जब हो रही है तो वहाँ पर मुश्किलें हो सकती है कि कैसे जो है 17 किलोमीटर का पैदल ट्रैक जो है वो पार किया जाए, वहाँ पर यात्रियों को मुश्किलें बिल्कुल लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और नजर बनाए रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि जो लोग चारधाम यात्रा में उनको ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया।